YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत से लोग हमें मैसेज भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि रोज़गार के हवाले से बहुत परेशानी है, माली तंगी है, इसके बारे में बताएं क्या करें। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों ये है कि हम ना तो कोई बहुत बड़े इमाम हैं, ना ही बड़े मौलवी हैं, ना ही बहुत बड़े कोई जाकिर हैं और ना ही हाफिज़ हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों ने, बल्कि कई लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, और तो और ख़ुद मैंने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलें अल्लाह के फ़ज़ल से हल हो जाती हैं। तो जिन अफराद को माली परेशानी का सामना है, या रोज़गार के हवाले से परेशान है, या कोई और ऐसी मुश्किल है कि जिसकी वजह से, मिसाल कई घर ऐसे हैं कि जिनमें शादी का या कोई और ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन माली हालात जनाब बहुत ख़राब हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ। और इसको पाबंदी से अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से माली तंगी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और मुश्किलें आपकी अल्लाह के फ़ज़ल से आसान हो जाएंगी। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार, 7 बार या 11 बार, 3, 7 या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जो ना अल्लाह के नाम है, या कवि हो, या गनी हो, या अली हो, या वली हो, या कवि हो, या गनी हो, या अली हो, या वली हो, या आपने इस तरह पढ़ना, जिन एक दाने पे चारों आ जाए। जैसे तस्वीर का दाना, तो आपने पढ़ना या कवि हो, या गनी हो, या अली हो, या वली हो, या कवि हो, या गनी हो, या अली हो, या वली हो, या कवि हो, या गनी हो, या अली हो, या वली हो। इस तरह आप अगर मुसलसल ये पढ़ते रहेंगे, और हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि वो 2 दिन या 4 दिन वजीफ़ा करने के बाद कहते हैं, जी हमने तो पढ़ा, अभी तक तो हमारी माली हालात तो बेहतर नहीं हुए। ऐसा नहीं होता। देखें, इसके लिए आप जब ये शुरू करेंगे, अल्लाह की रहमत होगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी इंशाल्लाह। 6 से 6 माह से 7 माह के अंदर अंदर आप अपने हालात देखेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोगों ने इसको पढ़ा और इससे फैज़याब हुए, और तो और हमने ख़ुद भी इस पर तजर्बा किया, ख़ुद भी फैज़याब हो चुके हैं इस पर। तो प्यारे दोस्तों, आप ये आज से शुरू करें, इंशाल्लाह लजीज़ आपकी माली तंगी और रिज़्क की तंगी ये सब दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये पढ़ना किस तरह और किस तादाद में पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, तो 3 तस्बीहां 100-100 दाने वाली आपने पढ़नी है। और इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आप जी इस टाइम पढ़ो या इस टाइम पढ़ो या इस टाइम पढ़ो, कोई पाबंदी नहीं है। बस ये 4 नाम जो हैं एक दाने पर आपने पढ़ने हैं, 4 नाम एक दाने पर पढ़ने हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।